कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो फिर से लेके आ चुका हूँ आप लोग लिए न्यू कमाल का वीडियो एडिटिंग। तो गाइस अगर आप भी कुछ इस तरह का वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक देखते रहना, आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि इससे क्या करना है। और गाइस अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो लाऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए गाइस आज का वीडियो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो गाइस आपको सबसे पहले करना है कि आपको प्लस पे क्लिक करना है, ठीक है, और 9:60 वाला रेशियो सेलेक्ट करके क्रिएट प्रोजेक्ट कर देना, ठीक है। करने के बाद आपको प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पर जाना और यहाँ से अपने फोल्डर को सिलेक्ट कर लेना, ठीक है, जो भी फोटो को आप यूज़ करना चाहते हो। तो सिंपली आपको फोटो पर क्लिक करना है, 3 डॉट पर क्लिक करना, फील कंपोजिशन एरिया कर देना, ठीक है। अगर अच्छे से फोटो अच्छे एडजस्ट नहीं है तो आप एडजस्ट कर लेना, जूम इन जूम आउट कर सकते हो, ठीक है। सेयर वाले आइकन पर क्लिक करना, करंट फ्रेम इस पीएनजी पे एक्सपोर्ट करना, ठीक है। फिर यहाँ पर कुछ देर वेट करना, इमेज को सेव कर लेना, ठीक है। फिर बैक आना, इमेज को डिलीट कर देना, प्लस पे क्लिक करना, मीडिया पर जाना, कोई दूसरे इमेज को ले लेना, 3 डॉट पे क्लिक करके इस तरह से आपको इमेज को फिल कंपोजिशन एरिया करके क्रूप करके यहाँ पर करंट फ्रेम इस पीएनजी पे एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर सेव कर लिया। फिर बैक आना, इमेज को डिलीट कर देना, प्लस पे क्लिक करना, मीडिया पे जाना, कोई दूसरी इमेज को ऐड करना, 3 डॉट पे क्लिक करके फील कंपोजिशन एरिया करना, सिर वाला आइकन पे क्लिक करके करंट फ्रेम इस पीएनजी पे एक्सपोर्ट करना। तो गाइस इस तरह से आपको अपने इमेजेस को क्रूप कर करके सेव कर लेना है, ठीक है। तो फिर बैग आएंगे, डिलीट करेंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे, मीडिया पर जाएंगे, कोई दूसरी इमेज को ऐड करेंगे यहाँ पर, 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, फील कंपोजिशन एरिया करेंगे, ठीक है। फिर सिर वाला आइकन पर क्लिक करके करंट फ्रेम इस पीएनजी पे एक्सपोर्ट करेंगे। तो इस तरह से आपको क्या करना है, टोटल जो है 11 इमेजेस को क्रॉप करके सेव कर लेना, ठीक है, 11 इमेजेस को। करने के बाद आपको सिंपली बैक आना है और इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली इस प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना, इसका लिंक आपको इजीली डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो भाई यहाँ से वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना, अगर आप ज़रा से भी स्टेप मिस करोगे तो आपका एडिटिंग ख़राब हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ, ठीक है, कि एक एक चीज़ आपको किस तरह से करना है। तो इसलिए यहाँ पर जो आपको पहले बता देता हूँ, आप अगर वीडियो नहीं देखोगे तो आपका स्टेप अगर कोई भी मिस होगा तो आपका ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली देखो क्या करना है, ठीक है, स्टार्टिंग पे आना, करंट फ्रेम पे आना, मीडिया डॉट फॉन्ट पे क्लिक करके ऊपर से क्लिक करके लाइट मोशन सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। करने के बाद आप कोई भी एक इमेज को सबसे पहले सेलेक्ट करना, ठीक है, सिंपली प्लस पर क्लिक कर देना, ठीक है। फिर आगे आना, इस पर क्लिक करना, करंट फ्रेम पे जाना, मीडिया डॉट फॉन्ट पे क्लिक करके वही इमेज को यहाँ पर भी ऐड कर देना, ठीक है। फिर आगे आना और फिर यहाँ पर करंट फ्रेम पे आना, मीडिया डॉट फॉन्ट पे क्लिक करके वही इमेज को यहाँ पर ऐड कर देना, ठीक है। तो देख सकते हो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर आपको इमेज आपका देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर डबल बीट वन मिलेगा, यहाँ आना, उसके बाद आपको यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारा लेयर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, सिंपली स्टार्टिंग पे आना, इस पर क्लिक करना, करंट फ्रेम पे जाना, मिरर और फाउंड पे क्लिक करके कोई दूसरे इमेज को यहाँ पर ऐड कर देना, ठीक है। सिंपली देख सकते हो कुछ इस तरह से। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पर मैंने इमेज को ऐड कर दिया, ठीक है, कुछ इस तरह से यहाँ पर ऐड कर दिया है। फिर आपको आगे आना है, इस पर क्लिक करना, करंट फ्रेम पे जाना, मिरर और फ्रंट पे क्लिक करिए, कोई दूसरे इमेज को सेलेक्ट करके ऐड कर देना, ठीक है, यहाँ पर। फिर आके आना, इस पर क्लिक करना, करंट फ्रेम पे जाना, मिरर और फ्रंट पे क्लिक करके, तो देख सकते हो यहाँ पर मैंने इमेज को ऐड कर दी। फिर आके आना, इस पर क्लिक करना, करंट फ्रेम पे जाना, मिरर और फ्रंट पे क्लिक करिए, कोई दूसरे इमेज को ऐड करना, उसको यहाँ पर ऐड कर देना, ठीक है, ऐड हो जाएगा इस तरह से। फिर आपको आगे आना, इस पर क्लिक करना, करंट फ्रेम पे जाना, मिरर और फ्रंट पे क्लिक करिए, कोई दूसरे इमेज को ऐड कर देना। तो इस तरह से क्या करना है, आपको हर एक लेयर में अलग अलग इमेज को ऐड कर लेना है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से आपको पूरा एंड तक हर एक लेयर में अलग अलग इमेज को ऐड कर लेना, ठीक है, पूरा एंड तक। यानी के बाद आपका एडिटिंग पूरा यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, देख सकते हो कि फोटो में काफ़ी अच्छा कलर ग्रेडिंग भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो वैसे आपको क्या करना है, सिंपली शेयर वाला आइकन पर क्लिक करना, वीडियो क्वालिटी को सिलेक्ट करना, एक्सपोर्ट पर क्लिक करना, आपका वीडियो अगर एक्सपोर्ट हो जाएगा।